15 साल तक लालू प्रसाद जी बिहार के मुख्यमंत्री रहे और 18 वर्ष से नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं। बिहार के विकास की बाधा को तोड़ते हुए 2024 में बिहार की जनता से चाहते हैं कि अपार बहुमत से फिर से नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाए। नमस्कार, देख रहे हैं आप सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। क्या नीतीश कुमार की एनडीए में वापसी होने जा रही है या खबर और तेज हो गई, क्योंकि लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार की आज मुलाकात हुई। इसके बाद से बिहार की सियासी सरगर्मी काफी तेज हो गई, फिर सियासी गलियारों से तरह तरह की बयानबाजी हो रही है। अब ऐसे में बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी की प्रतिक्रिया सामने आई है। साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कौन किसके पैर पकड़ रहा है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। ये लोग जहां जाना चाहते हैं जा सकते हैं, अगर ये लोग भाजपा की सदस्यता भी लेना चाहते हैं तो आकर ले सकते हैं, हम इनका स्वागत करते हैं। लालू नीतीश पर निशाना साधते हुए नजर आए सम्राट चौधरी, और इसी के साथ जब उनसे सवाल किया गया नीतीश कुमार के एनडीए में वापसी को लेकर, तो कहते हुए नजर आए कि सपना देख रहे हैं क्या कि जेडीयू और एनडीए का फिर से गठबंधन होगा। इसी के साथ क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं और किस तरीके से लोकसभा चुनाव की तैयारी भाजपा कर रही है, कब से अभियान की शुरुआत हो रही है, सारी जानकारी देते हुए नजर आ रहे हैं सम्राट चौधरी। तो क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, पहले आपको हम वो सुनवाते हैं। सीटों पर इंडी गठबंधन के लिए भाजपा अपने चुनाव अभियान की शुरुआत कर चुकी है। 15 तारीख को दीवार लेखन के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पूरे देश में अभियान की शुरुआत की है। हम लगातार तीर्थ स्थानों पर मंदिर सफाई अभियान चला रहे हैं, लाभार्थी संपर्क अभियान चलाएंगे, गांव संपर्क अभियान चलाएंगे। हम गांव में स्वयं सहायता समूह के बीच में, जो बहनों के बीच में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने काम किया है, हम बीच गांव के बीच में जाएंगे। तो इसलिए स्पष्ट है, जनता के बीच में हम इंडी गठबंधन के, जो ये लोग कभी कोई काम नहीं किया, 15 साल तक लालू प्रसाद जी बिहार के मुख्यमंत्री रहे और 18 वर्ष से नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं। बिहार के विकास की बाधा को तोड़ते हुए 2024 में बिहार की जनता से चाहते हैं कि अपार बहुमत से फिर से नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाए। बीजेपी के साथ एंट्री करेंगे? नहीं, बाधा कभी है ही नहीं। मैं तो कह ही रहा हूँ कि नीतीश कुमार जी भाजपा की सदस्यता लेना चाहे, लालू प्रसाद जी सदस्यता लेना चाहे तो स्वागत है। आज की बैठक इसीलिए हुई थी? नहीं नहीं, बैठक तो हमारे कार्यक्रम है, हम कार्यक्रम चला रहे हैं और हम कार्यक्रम के माध्यम से पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। लालू जी और तेजस्वी के जाके 50 मिनट तक नीतीश कुमार, देखिए कौन किसका, कौन पैर किसका पकड़ रहा है, मेरे को मतलब नहीं है। पूरे इंडी गठबंधन में स्पष्ट है कि इंडी गठबंधन के लोगों को 40 की 40 सीटों पे हराना है। जेडीयू से कोई गठबंधन बीजेपी का नहीं होगा, कहां सपना देख रहा हूं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव पर निशाना साधते हुए क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, सुना आपने। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि लालू प्रसाद यादव 15 साल तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे और 18 साल तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन के रह रहे हैं, लेकिन फिर भी बिहार में विकास नहीं हुआ है, ये लोग बिहार में विकास नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ की जनता से बस यही आग्रह करेंगे कि भारी बहुमत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिताए और एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाए, ताकि ये लोग जो है, इन लोगों को हम लोग सत्ता से ही बाहर निकाल सके। इसी के साथ सम्राट चौधरी क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे, सुना आपने। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। तमाम जानकारी के लिए बने रहे सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।